सावधान, सिलेंडर से जुड़ा यह नियम नहीं जानते होंगे आप। नई दिल्ली, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि यदि कोई गैस एजेंसी आपके घर पर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में आपको सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी जाना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़ता है तो आप एजेंसी से एक तय राशि ले सकते हैं। आपको इस नियम के बारे में जानकारी हो तो कोई भी एजेंसी वाला आपको मना नहीं करेगा। दरअसल कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर की तय की गई मूल्य होम डिलीवरी समेत ली जाती है, लेकिन यदि एजेंसी होम डिलीवरी नहीं करती तो यह चार्ज लेना आपका अधिकार है। पिछले दिनों केंद्र गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ की थी। इसके तहत गवर्नमेंट का लक्ष्य गांव देहात के ज्यादा से ज्यादा घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का है। इसके बावजूद भी कुछ लोग गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को गैस एजेंसी से जुड़े कई नियमों के बारे में भी जानकारी नहीं होती। हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। आपको बता दे कि संबंधित कंपनी की तरफ से हर एलपीजी उपभोक्ता का 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस की दो स्थिति होती है। आपको यह भी बता दे कि इसके लिए किसी भी उपभोक्ता को कोई अलावा मासिक प्रीमियम नहीं भरना होता। यदि गैस सिलेंडर से कोई एक्सीडेंट होता है तो पहली कंडीशन के तहत 40 लाख व दूसरी कंडीशन के तहत 50 लाख रुपए संबंधित एजेंसी को देने होते हैं। हर वर्ष गैस सिलेंडर फटने या सिलेंडर में आग लगने के कारण तमाम हादसे सुनने में आते हैं। ऐसे में आम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती। यही कारण है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी बहुत कम लोग ही गैस एजेंसी की तरफ से कवर किए जाने वाले इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम करते हैं, जबकि यह क्लेम लेना आपका अधिकार है व संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी। इस इंश्योरेंस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़िए। 40 लाख का क्लेम। एलपीजी सिलेंडर से यदि आपके घर या प्रतिष्ठान में कोई एक्सीडेंट होता है तो आप 40 लाख तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। वहीं सिलेंडर फटने से यदि किसी आदमी की मौत होती है तो 50 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। इस तरह के दुर्घटना में प्रत्येक पीड़ित आदमी को 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि का नियम है, कोई अलावा प्रीमियम नहीं। ऊपर बताए गए इंश्योरेंस के लिए उपभोक्ता को कोई प्रीमियम नहीं भरना होता। जब आप कोई नया कनेक्शन लेते हैं तो यह इंश्योरेंस ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। कनेक्शन के समय ली जाने वाली धनराशि में यह इंश्योरेंस प्रीमियम निहित होता है। पेट्रोलियम कंपनियों, भारतीय ऑयल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वितरकों को यह बीमा करवाना होता है। हादसा हो तो यह करें। यदि आपके साथ किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले पुलिस व इंश्योरेंस कंपनी को यह जानकारी दें। कई बार पुलिस ऐसे मामलों की एफआईआर दर्ज नहीं करती, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप एफआईआर कराएं व इंश्योरेंस की रकम का दावा करने के लिए एफआईआर की कॉपी सुरक्षित रखें। कोई घायल हुआ है तो उससे संबंधित बिल भी संभाल कर रखें।